नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज हम बातें करने वाले हैं ड्राइसिनिया के प्लांट के बारे में। तो ड्राइसिनिया का प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है और शेड लविंग प्लांट होता है। इस प्लांट को आप आउटडोर में भी रख सकते हैं और इंडोर में भी रख सकते हैं। तो अगर इस प्लांट को आउटडोर रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ इसके ऊपर धूप बिल्कुल भी ना आए। अगर इसके ऊपर थोड़ी सी भी धूप आ जाती है तो फिर ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है, इसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो हमने पहले इसको धूप में रखा हुआ था, मतलब वहाँ थोड़ी देर की धूप आती थी तो फिर इसकी नीचे की पत्तियां जल गई थी और ये जो पत्तियां आई हैं ये इसकी नई पत्तियां आई हैं। तो ड्राइसिनिया की ढेरों वैरायटी होती हैं, जैसे किसी में पतले पत्ते होते हैं, किसी में बड़े होते हैं, किसी में छोटे होते हैं और किसी के पत्तों में कलर वेरिएशन होता है। तो इस वाले में भी कलर वेरिएशन है, इसके पत्तों में आप देख सकते हैं ये बीच में पिंक कलर है। और भी कई तरह के हैं, मतलब कई वैरायटी हैं हमारे पास ड्राइसिनिया की और काफ़ी सुंदर होती हैं सभी वैरायटी। और इसकी एक और ये वाली वैरायटी है, ये भी ड्राइसिनिया का प्लांट है। तो इसमें भी दो वैरायटी आते हैं, मतलब दो तरह के कलर आते हैं, एक ग्रीन होता है और एक इस तरह के पिंक कलर के कलर वेरिएशन वाला प्लांट होता है। मतलब वो ड्राइसिनिया की ढेरों वैरायटी होती हैं। और दोस्तों इस प्लांट को आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाएं, जैसे एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। तो इस मीडिया में ये बहुत ही बढ़िया चलता है। और अगर 15 से 20 दिन में आप इस प्लांट के ऊपर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं तो फिर इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही सुंदर और चमकदार होती हैं। और अगर इसके हम प्रोपोगेशन की बात करें तो ये प्लांट नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है, आप उसको अगर अलग करके लगा देते हैं तो फिर हमारे पास और भी कई प्लांट हो जाते हैं। तो ये वाला प्लांट आप देख रहे हैं, ये तो ये हमने इसके नीचे से ही अलग करके निकाला है और अब ये चल भी पड़ा है, क्योंकि इस प्लांट को लगाए हुए हमें करीब 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इस छोटे से पॉट में और अब ये बहुत ही सुंदर चल गया है। मतलब इस प्लांट के नीचे से निकाल के लगा देंगे तो फिर ऐसे ही और भी हमारे पास ढेरों प्लांट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को जैसे कि बताया है ऐसी जगह रखना है जहाँ इसके ऊपर छन कर धूप आए, या तो जैसे ग्रीन नेट के नीचे, मतलब इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में इसके पत्ते जल जाते हैं। और विंटर सीजन में इस प्लांट को जब ओस और कोहरा पड़ता है तो हमें इसको ओस और कोहरे से भी बचाना पड़ता है, क्योंकि उस समय भी ये प्लांट खराब हो जाता है। तो हम भी जैसे कि दिसंबर और जनवरी के महीने में हमारे यहाँ तेज ठंड पड़ती है, उस समय ओस भी पड़ती है और कोहरा पड़ता है, तो उस समय हम इसको इंडोर में रख लेते हैं। तो इंडोर में भी ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है, लेकिन है ना विंटर सीजन में इसकी थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है। तो अब इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया चल रही है, नवंबर का महीना चल रहा है और इसमें आप देख सकते हैं नई नई पत्तियां निकल रही हैं और इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर लगती हैं, एकदम चमकदार। और इसके पत्तों में तो जैसे कि बताया है कलर वेरिएशन होता ही है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी सुंदर पत्तियां हैं। और भी कई वैरायटी हैं हमारे पास ड्राइसिनिया की और सभी वैरायटी को आप नीचे से इसके बेबी प्लांट से अलग करके लगा सकते हैं और इस तरह से हमारे पास और भी ढेर सारे प्लांट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसके पानी की बात करें तो पानी इस प्लांट में तभी डालना चाहिए जब इसके प्लांट, मतलब गमले की मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है। वैसे तो इस जो इंडोर प्लांट होते हैं उनमें पानी की कम ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी हमें पानी चेक करने के बाद ही डालना चाहिए इसमें, मतलब हल्की सी नमी हो नीचे, लेकिन इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग करने से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों ये प्लांट एक बहुत ही सुंदर शेड लविंग प्लांट होता है। इस प्लांट को आप वैसे तो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़मीन में लगाने से ये होता है ऐसी जगह लगाएं, मतलब ज़मीन में अगर लगाएं तो जहां इसके ऊपर छन कर धूप आए या फिर किसी बड़े पेड़ के नीचे, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी
और जैसे कि बताया है डायरेक्ट सनलाइट से ये प्लांट खराब हो जाता है। और अगर गमले में लगा सकते हैं तो गमले में लगाने का ये फायदा होता है कि हम मौसम के अनुसार फिर गमले को उठा के कहीं भी रख सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस प्लांट को मतलब ड्राइसिनिया के प्लांट को नहीं लगाया है तो अभी भी इस प्लांट को आप नर्सरी से लाके लगा सकते हैं। और हर नर्सरी के ऊपर करीब करीब हर नर्सरी के ऊपर ये प्लांट मिल जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर एक हाउस प्लांट होता है। और अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इसकी ग्रोथ के अनुसार होता है। अगर हम छोटा प्लांट लेते हैं जैसे कि अभी दिखाया आपको इस तरह का प्लांट लेते हैं तो हमें ये प्लांट फिर 50 से 60 रुपए में आसानी से मिल जाता है। और अगर हम इतने बड़े साइज का प्लांट लेते हैं तो फिर ये प्लांट हमें 90 से लेके 100 में मिलेगा। क्योंकि हम भी इस प्लांट को जब लेके आए थे एक 1.5 साल पहले लेके आए थे इस प्लांट को और ये काफ़ी छोटा सा ही प्लांट था तो तब हमको ये प्लांट 90 रुपीज़ में मिला था। और अगर हम इतना बड़ा प्लांट लेंगे तो इसका प्राइस और भी ज़्यादा में होगा। मतलब कि जैसे कि प्लांट का साइज होता है तो उसके अनुसार ही इस प्लांट की का प्राइस होता है। और हमने कई तरह के मतलब ड्राइसिनिया के प्लांट लगा रखे हैं और ये बहुत ही सुंदर एक मतलब बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट होते हैं और ग्रीन नेट के नीचे और शेड में ये बहुत ही बढ़िया चलते हैं। लेकिन इनके ऊपर तेज़ धूप नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट से इन पौधों को बचाना है समर सीजन में। और विंटर सीजन में इनको तेज़ ठंड से ओस और कोहरे से बचाना पड़ता है। और दोस्तों ये हमारी दूसरी वैरायटी का ड्राइसिनिया है तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते पिंक कलर के हैं, बहुत सुंदर लगते हैं इस ड्राइसिनिया के पत्ते। और जैसे कि बताया है इसमें ढेरों वैरायटी आती हैं और इनके पत्तों में कलर वेरिएशन होता है। तो इस वाले ड्राइसिनिया के पत्ते बड़े हैं मतलब साइज में बड़े हैं और इनके पत्तों का कलर पिंक कलर है। और जैसे जैसे ये पत्ते पुराने होते जाते हैं तो फिर ये ग्रीन होते जाते हैं। जैसे कि ये नीचे पत्ते ग्रीन हो रखे हैं तो इस तरह से ही पत्ते इसके ग्रीन होते जाते हैं। और जब नए पत्ते आते हैं तो फिर इसके पिंक कलर के पत्ते आते हैं। जैसे कि ये पत्ता थोड़ा सा है ना आप देख सकते हैं ग्रीन होने लगा है और नीचे ये पिंक कलर का है और ये वाला पत्ता बाद में आया है तो ये पिंक कलर का है और ये बीच में जो आ रहा है तो ये पत्ता भी पिंक कलर का ही है। और बहुत सुंदर लगते हैं इसके पत्ते, इनमें फ्लावर तो नहीं आते लेकिन ये अपने पत्तों के कारण बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते जी, धन्यवाद।